दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारा देश भारत कई अज्ञात रहस्यों से भरा पड़ा है। यहाँ पर कई ऐसे खंडर हैं जिन्हें प्रेतवादित करार दिया गया है। भूत होते हैं या नहीं, ये सवाल हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जिन्हें लेकर लोगों में इस कदर खौफ है कि यहाँ रात तो क्या, दिन में भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और इन इलाकों का डरावना एहसास आप सभी के होश उड़ा सकता है। पुणे में स्थित चंदन नगर चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर घरों के निर्माण के समय एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लोगों को यहाँ पर उसकी आत्मा नजर आती है। वह लड़की हाथ में एक गुड़िया लिए अचानक से लोगों के सामने आ जाती है। लोगों का कहना है कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी सी मुस्कान होती है। पुणे में स्थित इस हॉस्टल में लोगों ने बहुत सी प्रेतवादित घटनाओं का सामना किया है। ये एक बॉयज हॉस्टल है जहां के छात्रों का ये दावा है कि यहां पर किसी शैतानी शक्ति का साया है। छात्रों का ये भी कहना है कि शनिवार की रात को अक्सर यहां पर लाल साड़ी पहनी हुई एक महिला को देखा जाता है, जो अक्सर कॉरिडोर में चलते हुए नजर आती है। ऐसे डरावने अनुभवों के कारण कई छात्र इस हॉस्टल को छोड़कर जा चुके हैं। पुणे में एमजी रोड के पास एक बहुत पुराना खाली मकान मौजूद है, जिसे पुणे के चुनिंदा सबसे प्रेतवादित स्थानों में शामिल किया गया है। लंबे समय से खाली पड़े इस मकान में कोई रहने नहीं आता। लोगों का कहना है कि यहाँ किसी प्रेत का साया है। कहा जाता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर किसी जवान लड़की की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यहाँ रात के समय रोने चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ शाम के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। पुणे में स्थित ये किला अपने ऐतिहासिक अस्तित्व के साथ साथ भूतहा कहानियों के कारण से भी जाना जाता है। रात के समय इस जगह पर कई अजीबोगरीब चीजें घटित होने लगती हैं। कहा जाता है कि इस महल में एक छोटा राजकुमार अपने किसी सिपाही के द्वारा मारा गया था, और उस वक्त वह मदद के लिए अपने चाचा को पुकार रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। ये दिल दहला देने वाली आवाजें आज भी सुनी जा सकती हैं। रात के समय जोर जोर से चाचा मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।